एक ही गांव में दो हिस्से, दो एड्रेस। ये घर हमारे दादा दादी का घर है। ये एक बोट हमें दिखने मिल रही है जो लगभग पूरी तरह से गिर गई है। ये मस्जिद भी सालों पुरानी मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है ये, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है। हम आ गए उस घाटी के पास जहाँ से डायरेक्ट हम अपने गांव में नीचे उतर सकते हैं। जो आप सब देख सकते हो दरगाह की भी कैसी हालत हो गई, खुलती नहीं है जल्दी दरगाह। देखो ये है हमारे यहाँ का कब्रिस्तान, ये हमारे इधर की जमात की चाली जो आप देख रहे हो। क्या नाम है? नूर। तुम्हारा नाम? अहमद। तुम्हारा नाम? हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है सात और आप देख रहे हैं सात ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो गए। सो गाइस, आपने मेरा लास्ट वीडियो मेरा प्यारा गांव देखा। सो एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ मेरे ही गांव का वीडियो। एक बार फिर से देखेंगे हम मेरा प्यारा गांव, लेकिन आज हम देखेंगे मेरे गांव का दूसरा हिस्सा जो आपने लास्ट वीडियो में देखे वो एक हिस्सा था। आज हम इस वीडियो में दूसरा हिस्सा देखेंगे। आज हम देखेंगे साकरी नाटे गाँव पार्ट टू। सो चलो वीडियो करते शुरू, चलते गाँव की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो में एंड तक बने रहो। आज का वीडियो काफ़ी अच्छा होगा। आज हम हमारे गांव एक बार फिर से देखेंगे पार्ट टू। चलो चलते। या अभी हम हमारे गांव में एंटर करने से पहले यहां एक स्कूल आती है, देखिए ये स्कूल देखिए, नाटे नगर विद्या मंदिर नाटे। ये हमारे गांव से पहला मराठी स्कूल है, देखिए ये मराठी स्कूल नाटे नगर विद्या मंदिर नाटे। और ये कॉलेज है जो आप साइड में देख रहे हो। और ये रही स्कूल हमारे गांव की नाटे नगर। यहाँ से अभी हम और आगे चलते। और आपने जब लास्ट टाइम हम जब गांव में उतरे थे, देखिए वो ये रास्ता है, यहाँ से हम अपने गांव में उतरे थे, नीचे गए थे। बट अब हम सीधा जा रहे हैं आगे, क्योंकि अभी हम गांव में नहीं जाना है जहाँ लास्ट टाइम गए थे, अभी वहाँ नहीं जाना है, अभी हम जा रहे दूसरी तरफ। अभी मैं आया हूँ हमारे गाँव के क्रिकेट ग्राउंड पे। देखिए जो आप ये ग्राउंड देख रहे हो, ये मैदान देख रहे हो आप, ये हमारे गांव का क्रिकेट ग्राउंड है। और सामने वो रही हमारे गांव की मराठी स्कूल, एक और स्कूल वो जो आपने देखे थे नाटे नगर स्कूल। और ये हमारे इसके गांव की सबसे पुरानी स्कूल है ये। और देखिए यहीं क्रिकेट खेले जाती है, यहीं सब हमारे गाँव के बच्चे लेके बड़े लेके सब जो यहाँ क्रिकेट खेलते। हमारे गाँव का सबसे बड़ा मैदान है। जब देख रहे हो यहाँ देखिए कितने सारे बच्चे आते हुए। क्या नाम है? नूर। तुम्हारा नाम? अहमद। तुम्हारा नाम? उजैफा। कौन सी क्लास में हो? पांचवी में। सब दूसरी? अभी खाने की छुट्टी हुई है। सो देखिए ये सब अच्छे इसी स्कूल में पढ़ते हो। ये यहाँ का टाइमिंग क्या है स्कूल का? वैसे अभी टाइमिंग क्या है? 10 से 5। चलो। और ये जो सामने देख रहे हो ये हमारे गांव यानी साकरी नाटे की ग्राम पंचायत है। सात ब्लॉक्स। और यहाँ देखिए बच्चे मेरे सब पीछे पीछे आ रहे थे। ये कितने सारे बच्चे यहाँ भी, खाने की रिसेस हुई है, छुट्टी हुई है तो सब आए। और हाँ ये हमारे गांव की साकरी नाटे की ग्राम पंचायत है, सब देख रहे हो। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ हमारे गांव में नीचे उतरने का एक और रास्ता है, आपको मैं वहाँ ले चलता हूँ। अभी हम आ गए उस घाटी के पास जहाँ से डायरेक्ट हम अपने गाँव में नीचे उतर सकते हैं। देखिए ये वही घाटी है, ये रास्ता यहाँ तक बनाया गया पहले ऐसा नहीं था। जब ये घाटी देख रहे हो यहाँ से सीधा उतरोगे तो वहाँ से 2 कदम पे उर्दू स्कूल आएंगी हमारी स्कूल। एक बार फिर से हम आ गए उर्दू स्कूल के पास, देख सकते हैं। और आज स्कूल चालू है और अभी हम स्कूल के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं।
चलो यहाँ से चलते अभी हम आगे। और आपको ये जो ये बावड़ी दिख रही है, ये बावड़ी यानी ये कुआं सालों पुराना कुआं है, बहुत साल हो गए होंगे इसको, क्योंकि जिससे देख सकते हालत क्या हो गई अभी। और लगभग शायद पानी भी अभी होगा नहीं इस कुएं में, फिर भी देखते पानी है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत गहरा है ये कुआं। और यहाँ देखिए ऊपर देखिए बंदर लोग तो अपना ही मस्ती करते हुए। और आपको जो सामने घर दिख रहा है, ये घर हमारे दादा दादी का घर है। जी हाँ, यानी ये जो गांव है ये हमारे दादा दादी का गांव है। मैं अभी अपने दादा दादी के गांव में आया हूँ। जी हाँ, और ये घर दादा दादी ज़माने का घर है, उनका घर है। और अभी इस घर में हमारे हसन भाई की फैमिली रहती है, यानी मेरे चाची रहते हैं, मेरे बड़े चाची रहते हैं। सो देख लिया आपने मेरे दादा दादी के का घर। ये उस टाइम से जो घर है ना, ये वैसी घर है। देखिए पुराने ज़माने का घर कुछ ऐसा था मेरे दादा दादी का घर। और अभी इस घर में मेरे बड़े चाची रहते, यानी हसन भाई की फैमिली रहते। सो चलो इस घर पे हम बाद में आएंगे। और अभी बारिश भी आती हुई, पहले हम चलते नीचे। चलो चलो यहाँ से उतरते, चलो यहाँ से अभी हम आगे बढ़ते इस साइड। यहाँ सब बोट लगे हुए और बोट के काम हो रहे सब इस साइड। यहाँ पूरा कीचड़ हो गया है नीचे। चलो 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 अभी हम ऊपर साइड से जाएंगे। आपने मेरे लास्ट वीडियो हमारे गांव साकरी नाटे पे बहुत प्यार दिया है, इसलिए मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ हमारे गांव का। ये वीडियो वो वीडियो से काफ़ी अलग होगा, क्योंकि जो वो वीडियो देखे थे वहाँ बहुत सी पब्लिक, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। यहाँ इतनी पब्लिक नहीं है, यहाँ ज़्यादा कोई रहता नहीं है, इसलिए मैं आपको यह हमारे गाँव का दूसरा हिस्सा बोल रहा हूँ। दूसरा हिस्सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ रहते वहाँ रहते ये फ़र्क है कि जो वहाँ रहते उनको एड्रेस लगता है साकरी, यहाँ जो रहते उनको एड्रेस लगता है नाटे। दोनों के एड्रेस भी अलग अलग है, गांव एक है इन एड्रेस अलग अलग है। यहाँ रहने वालों का नाटे लगेगा, वहाँ रहने वालों का साकरी लगेगा। और जो अभी हम देखने वाले ये है नाटे का घेरा यशवंतगढ़। जी हाँ, यशवंतगढ़ तो किला तो आपने देखे ही होंगे, मैं अभी आपको घेरा यशवंतगढ़ गाँव दिखाता हूँ। चलो बारिश का मन नहीं था, उसके बाद गाँव में बढ़ेंगे हम। चलो चलो यहाँ से अभी हम बढ़ते आगे की तरफ, घेरे की तरफ। देखिए पूरा सुनसान है इधर, और बाहर साइड से देखोगे तो अब सब बोट के काम हो रहे हैं। देखिए उस साइड जब देखोगे तो अब सब बोट के काम चालू है उधर। और यहाँ से अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ ज़्यादा आदमी से ज़्यादा तो बंदर दिख रहे मुझे। और आपको कुआं दिख रहा है, आगे कुआं है। यहाँ से अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कुछ घर है, वो भी शायद बंद है। सो चलो यहाँ से चलते हैं। ये हमारे इधर की जमात की चाली जो आप देख रहे हो, जी हाँ जमात की चाली है। यहाँ भाड़े पे रूम मिलते हैं, आपको सब दिख रहे हो। टोटल ये रूम की बात करें ना, कुछ 15-16 रूम है ये इधर भाड़े के लिए। एक पूरी जमात की चाली है, एक टाइम हुआ करता था ये चाली पूरी भरी हुई होती थी, अब इतनी पब्लिक नहीं है इधर भी। सर देख सकते हैं, एक टाइम था ये पूरा जो गांव है ना घेरा वो पूरा भरा होता था। टाइम था ये जो आप रास्ता दिख रहे हो, यहाँ भी सब बच्चे बच्चे खेलते होते थे, बहुत पब्लिक होती थी। यहाँ भट्टी थी, यहाँ भट्टी थी। अब एक टाइम है पूरा सुनसान है, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ कोई दिख रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ ये जो घेरा है यहाँ के जो रहने वाले जो बुज़ुर्ग थे, जो बूढ़े लोग थे, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। और जो यहाँ के बाकी जवान बचे थे वो यहाँ नौकरी के लिए अपनी सब शहर चले गए, गांव छोड़ के। तो इसलिए देख सकते हैं पूरा सुनसान बचे रहे। और यहाँ ज़्यादा आदमी से ज़्यादा बंदर ऊपर दिख रहे ले, जैसे आपने देखे। बाकी तो सबको अपने काम के लिए गाँव को छोड़ना पड़ा अपने। चलो यहाँ से देखिए ये आगे साइड के रूम है,
ये जो देख रहे हो आगे साइड के, ऐसे पीछे साइड भी इतने रूम है, जितने आगे है उतने पीछे भी रूम है। और ये एक घर रहा। और देखिए यहाँ भी एक रास्ता बनाया गया, जो जुम्मा को नमाज़ को यहाँ से हम आते और हम जो घेरे की मस्जिद में आते वो मस्जिद नीचे है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये भी एक घर है, वो भी बंद हो गया। काफ़ी घर यहाँ बंद हो गए और कुछ घर तो टूट भी गए। ये हमारी मस्जिद, प्यारी मस्जिद, घेरे की मस्जिद। हम इधर ही नमाज़ पढ़ने आते इसी मस्जिद में। और ये मस्जिद भी सालों पुरानी मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है ये, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है। तो देख सकते हैं आप मस्जिद। देखिए मस्जिद का जो सलाम वालेकुम, देखिए जुम्मा के दिन इधर बैठने के लिए जगह नहीं होती, पूरी फुल हो जाती है मस्जिद भाई, पूरी खाली है माशाल्लाह मस्जिद। देखिए गाड़ी, और ये वजू खाना है हमारे मस्जिद का जो आप देख रहे हो, ये वजू खाना है। ये पानी पीने के लिए फ्रीज है एक, और वो टॉयलेट बाथरूम है उधर मस्जिद का। हो ये माशाल्लाह। समुंदर किनारे ये मस्जिद है, और मस्जिद के बाहर ही ये देखिए सब बोट खड़ी हुई है, सब समुंदर में जाने की फटाफट तैयारी हो रही है। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये दरगाह है, घेरे की दरगाह। और एक टाइम था पहले ही इसी दरगाह का बड़े धूमधाम से हुरूस किया जाता था इधर भी, एक जो साकरी का हुरूस जो आज भी बड़े धूमधाम से होता है। और एक टाइम था कि ये दरगाह का भी हुरूस बड़े अच्छे से मनाया जाता था, किया जाता था, लेकिन एक टाइम है सिर्फ आधा किया जाता है, अब हुरूस नहीं मनाया जाता है क्योंकि पब्लिक बहुत कम हो गई है इधर, और इधर कोई रहता भी नहीं है, अभी दरगाह है खाली, हुरूस के टाइम पर आधा करते बाकी हुरूस नहीं होता है। नहीं तो पहले अच्छा होता था, यहाँ सब डायरे महफिल होती थी, वहाँ सब छोटी मोटी दुकानें लगती थी जितनी जगह है उतनी। ये पूरा एरिया वहाँ से जो देख रहे हो ये पूरा घेरे का पट्टा है जो आप देख रहे हो, इधर से मैं आया, ये ऊपर घर वगैरह हो गए सब। और ये दरगाह है घेरे की जो आप सब देख सकते हो, दरगाह की भी कैसी हालत हो गई, खुलती नहीं है जल्दी दरगाह क्योंकि इधर कोई है ही नहीं। अभी मैं आपको यहाँ का कब्रिस्तान दिखाता हूँ, घेरे का कब्रिस्तान। एक ही गाँव में दो हिस्से, दो एड्रेस, साकरी नाटा, दो कब्रिस्तान, एक वो साकरी का कब्रिस्तान, एक घेरे का कब्रिस्तान। तो अभी हम घेरे के कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये एक बोट हमें दिखने मिल रही है जो लगभग पूरी तरह से गिर गई है, फिर भी सपोर्ट लगाए हुए फिर भी गिर गई है। सामान है बोट पे, किसकी बोट है क्या मालूम, सामान छोड़ दिए सब कुछ, ध्यान ने पूरी गिर गई है। यहाँ काफ़ी जंगल हो गया है। और आपको ये जो घर दिख रहा है, ये घर और ये बाजू में दिख रहा है, ये एक टाइम पे ये यहाँ बेकरी हुआ करती थी, सब पाव टोस बटर वगैरह सब मिला करते थे, और ये घर हुआ करता था। अभी घर तो देखिए पूरा दोनों कुछ रहा नहीं, दोनों टूट फूट चुका है पूरा, बेकरी तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो यहाँ घेरे के कब्रिस्तान में जाने का रास्ता देखिए कैसा है, पूरा जंगल हो गया है अभी तो। यहाँ से अब जो ये रास्ता देख रहे हो, मैं जिस पे चल रहा हूँ ये जमीन के नीचे भी एक रास्ता है। जी हाँ, मैं आपको दिखाया होता इस साइड से जब आते हो ना, यहाँ रास्ता पूरा घास वगैरह हो गया, ये नीचे से एक रास्ता है, इसके ज़मीन के नीचे से एक रास्ता है, क्योंकि किले का रास्ता ही है। जब मेरे पास देख रहे हो वहाँ किला है, किले को लग के
कब्रिस्तान है और नीचे से रास्ता ऐसा बोला, ऐसा पुराने लोग बोलते हैं कि शिवाजी महाराज का रास्ता शिवाजी महाराज ने नीचे से बनाए थे ज़मीन के नीचे से। देखो ये है हमारे यहाँ का कब्रिस्तान, घेरे का कब्रिस्तान। अभी घास काफ़ी ज़्यादा हो गई इसलिए आपको समझ रहा नहीं है, अभी घास कुछ ही टाइम में यहाँ सफ़ा किया जाएगा तब पूरा अच्छे से कब्रिस्तान दिखता है। पूरा ऊपर तक कब्रिस्तान है और ये आप बाजू में दिख रहे हो ये किला है, किले को लग के यहाँ का घेरे का कब्रिस्तान है। सो आ गया मैं अभी अपने घर, बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश आने लगी तो मैं घर आ गया। देख लिया आपने नाटे घेरा यशवंतगढ़, हमारे गांव का दूसरा हिस्सा। एक तरफ है साकरी नाटा और एक तरफ है नाटा, और एक तरफ शोर शराबा है तो एक तरफ खामोशी है। ये था हमारा नाटे घेरा यशवंतगढ़। सो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और अच्छे ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय।